स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। कैसे दोस्तों सभी लोग, आई होप खुश होंगे आप। आजकल जो सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड कोरोना की, ये जो जॉब है कोरोना टेस्टर, जो लोग जनता को टेस्ट करते हैं कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं, इस जॉब की सख्त जरूरत है इस टाइम, उसकी बात होगी आज। अगर आप जॉब ये लेना चाहते हैं एज अ कोरोना टेस्टर, यूरोप में आना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्प करने वाला है। आई एम श्योर बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आपको करना चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए ना चाहिए, सैलरी ऐसी कितनी है, वर्किंग हावर्स कितना है, ठीक है। एज आई से आजकल जो सिचुएशन चल रही है, या देखो एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मुझे बताना कि कौन सी कंट्री से मुझे आप देख रहे हैं एंड वहाँ की हालत कैसी है। ओके, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि कोरोना टेस्टर एग्जैक्टली करता क्या है। मैं ये आसान मतलब सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। एग्जैक्टली क्या करता है ये टेस्टर, सिंपल है, सबको पता है शायद, जिसको नहीं पता, कोरोना टेस्टर जनता को टेस्ट करता है कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं, इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। कैसा टेस्ट होता है, कैसे टेस्ट होता है, नोज के थ्रू टेस्ट होता है एंड माउथ के थ्रू टेस्ट होता है। ओके, एक रोड होती है जैसे एयरबेड्स नहीं होते, तो उसके थ्रू टेस्ट होता है। सो टेस्टर, कोरोना टेस्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेनिंग कौन सी है, ट्रेनिंग चाहिए या ना चाहिए, इस जॉब के लिए वो लोग क्वालिफाइड है जिन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग ली है, जिन लोगों ने मेडिकल ट्रेनिंग ली है उनको ये जॉब मिल सकता है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड है ऑब्वियसली, जो लोग क्वालिफाइड हेल्थ एंड नर्सिंग स्टाफ है, ओके, बायोमेडिकल एनालिस्ट जो है, फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको भी ये काम मिल सकता है। इवन अगर आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग एज अ टेस्टर है, दूसरी कंट्री से आप यहां आते हैं यूरोप, थर्ड कंट्री से, तो आपके पास परमिशन है, स्पेशल परमिशन है कि ये जॉब आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है, व्हाटएवर डिप्लोमा है, तो आपको ये जॉब मिल सकता है। ट्रेनिंग होती है एक घंटे की, दो घंटे की, तो आप फिर अपने आप काम कर सकते हैं अकेले। वर्किंग हावर्स कितने हैं इस जॉब में, नॉर्मल जॉब जो होता है वर्किंग हावर्स उतने तो नहीं है, ठीक है, मीन्स 6 बजे आए आप गए तो 2 बजे आप घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि 8 hours आपको काम करना पड़ेगा, 9 hours, 10 hours इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड इवन वीकेंड, जितनी रिक्वायरमेंट्स है, जितने लोग आते हैं, ठीक है, वीकेंड में भी आपको जाना पड़ेगा, इज ऑल्सो पॉसिबल वीकेंड। सो जॉब आपको कैसे मिलेगा इस फील्ड में, मोस्टली
टेस्ट जो करते हैं लोग वो है रेड क्रॉस वाले, उनको कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको एज अ टेस्टर जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो लास्ट जो हम वेट कर रहे हैं जिसकी, वो है सैलरी इस जॉब में कितनी है। देखो डिपेंड, हर जॉब में ऐसा ही होता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिली है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, 2000 से लेकर 2200 यूरो तक फुल टाइम अगर आप करते हैं, पार्ट टाइम भी होता है फुल टाइम भी होता है, 2200 यूरो तक आपको इस फील्ड में काम मिल सकता है। वीकली हावर्स कितने हैं, 40 हावर्स। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।